बरला के प्रखंड मुख्यालय उमगांव में रालोसपा के प्रदेश महासचिव यदुवीर कुशवाहा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हरलाखी से हमारे पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा को लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। विधायक के कार्यकाल के दौरान जनता को जितनी निराशा मिली उसके विकल्प के रूप में जनता ने डॉक्टर कुशवाहा को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया, जिसकी जानकारी जनसंपर्क के दौरान लोगों से मिल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 वर्ष के कार्यकाल व स्थानीय विधायक 5 वर्ष के कार्यकाल को लोग हिसाब मांग रहे हैं। इस दौरान पीसी में मौजूद एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष वकार सिद्दीकी ने कहा कि हमारी पार्टी के गठबंधन तहत रालोसपा के प्रत्याशी को काफी मजबूती मिलेगी। वही पीसी में मौजूद रालोसपा ने नेता जितेंद्र यादव ने भी कहा कि वही पीसी में मौजूद रालोसपा के नेता जितेंद्र यादव ने कहा कि प्रत्याशी को हमारा पूरा समर्थन है, प्रत्याशी को जिताने के लिए हम लोग पूरा सहयोग देंगे। मौके पर मौजूद प्रत्याशी डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा ने कहा कि शिक्षा सुधार को लेकर हमारा पहला विजन है, वही स्वास्थ्य व्यवस्था व विभिन्न जन समस्याओं के साथ ही मूलभूत सुविधाओं को लेकर हम जनता के बीच एक प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। देखिए, ये हरलाखी की धरती है। हरलाखी की धरती राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को विपरीत परिस्थिति में भी साथ देने का काम किया और हरलाखी की जो जनता है वो काफ़ी समझबूझ वाले हैं। जो दिग्गज हैं उनको जनता पूर्व में देख चुकी है, उनसे परिचित है और वर्तमान में जो उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में जो लहर है पूरे बिहार में, इसके साथ ही हरलाखी विधानसभा में डॉक्टर संतोष सिंह के पक्ष में अपार जनमत देखा जा रहा है। क्या अंदाजा लगाया जा रहा है कितने मतों से आपके प्रत्याशी विजयी हो सकते हैं? कहने की हमारी कोई लड़ाई ही नहीं है किसी से। जो जिस दिग्गज के बारे में बता रहे हैं, जो प्रतिद्वंदी के बारे में बता रहे हैं, वो कोसों दूर है हमसे, कहीं कोई लड़ाई के मैदान में वो नहीं है। परिचय सर, मेरा नाम हुआ यदुवीर कुशवाहा, प्रदेश महासचिव रालोसपा। एक तरफ जहाँ एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ महागठबंधन है, ऐसे में जो जीत के आप दावे कर रहे हैं वो किस बिना पे आप कर रहे हैं? देखिए, ना एनडीए गठबंधन है ना महागठबंधन है, एक तरफ ठगबंधन है एक तरफ गठबंधन है। जनता दोनों को देख चुकी है। 15 साल लालू जी की सरकार को देख चुकी है, 15 साल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को देख चुकी है। अब हम लोग कहेंगे विकल्प के रूप में 5 साल हम लोग को चाहिए, निश्चित ही बदलाव का विकल्प हम लोग खड़ा करेंगे। सरकार यदि आपकी बनती है तो मिथिलांचल के लिए सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होगा? देखिए, हमारी पार्टी की सबसे पहला प्राथमिकता है एजुकेशन सिस्टम को सुधारना। जिस तरह किसानों का उपजाया हुआ अनाज तमाम अमीर गरीब के लिए एक साथ सस्ता उपलब्ध होता है, उस तरह हमारी पार्टी का मुख्य धारा है शिक्षा। जो शिक्षा की व्यवस्था इतना सुदृढ़ हो जो अमीर गरीब झोपड़ी के बच्चे तक प्राप्त कर सके। हम लोगों का जो सर गठबंधन हुआ है वो अटूट गठबंधन है और इस गठबंधन के तहत हम लोग बिहार में, पूरे बिहार में एक साथ लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और बात रही हरलाखी विधानसभा की, यहाँ जो कैंडिडेट है वो बहुत मजबूत कैंडिडेट है और लोकल कैंडिडेट है, और जो सामने जो भी कैंडिडेट है चाहे वो गठबंधन से हो या एनडीए से हो, एनडीए वाले को भी सब देख चुके जनता की क्या उन्होंने काम किया है क्या नहीं किया है। इसलिए जहाँ भी जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को पूरा भरपूर समर्थन मिल रहा है, हर जाति का वोट हम लोगों को मिल रहा है, इसलिए हम लोग बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ यहाँ से चुनाव जीतेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम वकार सिद्दीकी हुआ, एमआईएम के जिलाध्यक्ष। इसका भी लोग थोड़ा चुनाव विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, इसमें जो यहाँ का जनता का मुँह है कि यहाँ की निजी सरकार जो झूठ बोलकर यहाँ से जो प्रस्तावित लोग बाहर गए थे उनके साथ क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी और यहाँ कितने की मौत हुई, इसमें कितने गरीब मरे, इसलिए यहाँ की जनता बौखला गई है कि सरकार को किसी तरह हराना है। और हमारी बहन मायावती ने ऐसी उम्मीदवार को तैयार किए कि हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी
यहाँ के नेता बनेंगे या मुख्यमंत्री उनको चुनेंगे। इस दावे पर हम सभी कार्यकर्ताओं को लगाया गया है कि हम लोग सीट निकल रहे हैं। और खास करके यहाँ का जो विधानसभा चुनाव है, एक बार जो विधायक बना वो स्वर्ग हो गए, स्वर्गवासी हो गए, फिर दोबारा जो विधायक बना स्वयं छवि लड़का बच्चा था, वो छवि सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की है। ये क्षेत्र उपेंद्र कुशवाहा की है और यहाँ से भारी बहुमत से जिस तरह 15,000 से वोट से आगे हुए हैं, इस बार उससे ज़्यादा वोट से निकलेंगे, ये मेरा अनुमान है। मनगढ़ंत और गलत, आज देखिए हमारे साथ हमारे गठबंधन के जो भी लोग हैं, AIM, बसपा, हमारे अपने पार्टी रालोसपा से प्रदेश महासचिव हमारे भाई जितेंद्र हमारे बगल में है, और हम लोग हमेशा साथ में फील्ड में रह करके मजबूती के साथ हर जगह काम कर रहे हैं। तो ये जो भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इस तरह का, वो कुछ भी नहीं है। एक हमारे भाई है और जो अभी किसी कारणवश नहीं आ पाए, कृष्णा महतो जी, जो हमारे किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है, वो भी हमारे साथ है, लेकिन वो किसी कारणवश अभी नहीं आ पाए, नहीं तो आपके साथ समझ उनके संबंध में जानकारी मिला है कि वो नाराज चल रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए नाराजगी पार्टी में एक घर में थोड़ी बहुत होती रहती है, भाईचारे में होती है, ऐसी कोई नाराजगी नहीं। हम कल शाम में भी मिले हैं, अभी भी हमारी बात हुई है, वो हमारे साथ है। कल हम लोग, हमारा नॉमिनेशन है पार्टी का, हमारे गठबंधन सारे लोग हम लोग वहाँ पे दिखेंगे। तो इस तरह की कहानियाँ चलती रहती है। आपके मैनिफेस्टो क्या है? देखिए हमारी पार्टी जो है रालोसपा, खुद हम डॉक्टर प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, हम इस पार्टी में आने का मेरा मुख धारा ही है। हालांकि विधानसभा आप लोग से छुपा नहीं है, शिक्षा में क्या हालत है, स्वास्थ्य का क्या हालात है, आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। हम अगर सत्ते में आए और हमारे जो सोच है, जो हमारे पार्टी का और गठबंधन का विचारधारा है, अगर हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, हम लोग पहला मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस तीनों पर काम करेंगे। हालांकि विधानसभा काफ़ी टाइम से पीछे है, और ये 5 साल जो चला है, पिछला 5 साल जो चला है, वो 5 साल में 10 साल और पीछे चला गया जाता है। जैसा कि कल हम और जितेंद्र भाई फील्ड में भी थे, तो हमेशा हर जगह बताया, और हम दोनों ने भाई ने मिल करके पिछले 2 दिनों से हर जगह अपने विधानसभा का करीब करीब 10 पंचायत में घूमे हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक हम दोनों भाई फील्ड में रह रहे हैं। अभी और भी कुछ लोग हैं जो कि फील्ड में रहते हैं, लगातार जनसंपर्क में आप जुड़े हुए हैं जी। अब यदि चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता किस काम पे होगा? मेरा पहला प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। लेकिन इस तीनों में भी आप हमसे पूछिएगा तो पर्सनली मैं ये कहूंगा कि मेरा पहला प्राथमिकता शिक्षा रहेगा। शिक्षा के लिए जो भी गाइडलाइन है वगैरह हम लोग ने अपना प्लान किया है, ठीक है, हम किस तरह से शिक्षा में सुधार लाएंगे, कैसे करेंगे, उस पर हमारी टीम काम कर रही है। हम चाहेंगे कि हालांकि विधानसभा का शिक्षा का जो है, क्योंकि आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं, आज के दिन में शिक्षा के बिना हर एक चीज व्यर्थ है, कुछ भी हो। आज भी हम आपके सामने आकर के 2 लाइन बोल पा रहे हैं या कुछ कर पा रहे हैं, तो ये हमारे पूर्वजों का देन है, हमारे माता पिता का देन है कि उनको इस लाइक बनाया। अगर इस लाइक ना बनाते तो हम शायद ना बोल पाते। इसलिए हमारे हिसाब से खाना पीना से ज्यादा महत्वपूर्ण शिक्षा है। अच्छा, तो हम पहला चीज यही रखेंगे शिक्षा। बिहार के मुख्यमंत्री के 15 साल के कार्यकाल और यहाँ के स्थानीय विधायक के 5 साल के कार्यकाल को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए इसमें तो कहना क्या है, आप लोग भी जानते हैं, और जहाँ तक 15 साल की है, 15 साल की बात, जहाँ तक नीतीश बाबू की बात है, उन्होंने कहा था कि हम सुशासन की सरकार लाएंगे, लेकिन यहाँ की रोड आप देखिए, शिक्षा का ये हालत हो गई है कि स्कूल बना दिया गया, आप लोगों को भी पता है, जो मिडिल स्कूल था उसको अपग्रेड करके हाई स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन हाई स्कूल बनाने से सिर्फ बिल्डिंग बनाने से ही नहीं होता है, बच्चे को शिक्षा टीचर देता है, एक अच्छे क्वालिटी की टीचर चाहिए। पहले सरकारी स्कूल का मतलब होता था, हम लोग भी बोरा लेकर के और स्लेट लेकर के स्कूल गए हुए पढ़ने के लिए, हम लोग भी वहीं से बन गए, आज इस लायक है कि डॉक्टर बने हैं। लेकिन आज का जो स्कूल है उसको सिर्फ स्कूल को अपग्रेड किया जा रहा है, बिल्डिंग बनाया जा रहा है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो हमारा काम यही है कि सब कुछ किया जा रहा है, हमें शिक्षा पे अच्छे से काम करना है। हमारी पार्टी की मैनिफेस्टो और पर्सनली मेरा भी, हम सब ने मिलकर के काम करना है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो पर्यटन के क्षेत्र में जो असीम रोजगार की संभावनाएं हैं उस पर कितना काम करेंगे? देखिए आपने जैसे बोला राम मंदिर, ये मुद्दा सिर्फ एक ऐसी पार्टी है इंडिया में, वो है NDA गठबंधन BJP। उसको कुछ नहीं मिलता तो कभी राम मंदिर, कभी जाति, कभी धर्म, इसी का वो चुनाव करता है, इसी पे चुनाव जीतता है। आप नोटिस किए होएगा पिछले कई सालों से, जब भी इलेक्शन होता है कहीं पे कुछ हो जाता है, कभी राम मंदिर आ जाता है, कभी अयोध्या का मुद्दा आ जाता है, कभी दिल्ली में कांड हो जाता है, कभी ये हो जा रहा है। तो ये एक स्पेशली NDA गठबंधन का ये काम है, क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो बस ये जातीयता समीकरण जो होती है ना, आपको पता है झारखंड में पिछली बार क्यों हारी है, वहां पे वेल एजुकेटेड लोग हैं। सवाल ये है
देखिए हरलाखी विधानसभा क्षेत्र की बात जहाँ तक करें, रोजगार की यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पे उचेट स्थान है, गिरजा स्थान है, कलना है, ये सब जो गिरजा स्थान है इसका हर जगह हर वेद में इनका जिक्र किया गया है। महाभारत से लेकर के रामायण में हर जगह इसका जिक्र किया गया। लेकिन अगर हम आते हैं या हमसे पहले भी जो थे, इस जगह को सिर्फ थोड़ा ढांचा देने की जरूरत थी। एक जो ये क्या कहते हैं इसको, पर्यटक स्थल के तरह अगर विकसित करता तो वहाँ के जितने भी लोग हैं कम से कम रोजगार से जुड़ते। हम जब से यहाँ पे आए, ए मैंने अपने बदौलत ये यहाँ पे एक एजेंसी खोला, ये मेरा काम था, मैंने खोला। इसके थ्रू हमारे यहाँ पे आज के दिन में 21 लोग हैं जो कि हमसे जुड़े हैं, आखिर तो चल रहे हैं ना। कल होकर के हम आए तो जरूर हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो भी है उचेट स्थान, गिरजा स्थान, कलना स्थान, मनोकामना स्थान, इस सबको थोड़ा डेवलप करेंगे कि किसी तरह इसको टूरिस्ट वगैरह आए और यहाँ के जो लोग हैं उसका जीवन शैली में थोड़ा चेंजेज हो। आ रही है बेबुनियाद है। जैसे कि आप लोग जानते हैं शब्बीर अहमद जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं। मैं जब क्षेत्र में एंट्री किया था और जब राजनीति में कदम रखा था तो वो उन्हीं के माध्यम से रखा था, तो उनसे जब भी हम क्षेत्र में होते हैं तो उनसे मुलाकात होती है और उनका दुआ आशीर्वाद लेते रहते हैं। 3-4 दिन पहले से ही बात चल रही थी, कह रहे थे मिलने के लिए, तो हम गए थे। हमें पता नहीं था कि वहाँ पीसी हो रहा, और उनकी कुछ बैठक भी थी। जब हम वहाँ गए तो हमें पता चला और फिर हम बैठे वहाँ पे। उसके बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि जो जितेंद्र यादव जी हैं जो RLSP के हैं वो समर्थन कर रहे हैं। जी बिल्कुल बेबुनियाद है, मेरा समर्थन बिल्कुल नहीं है। मैं रालोसपा के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा तन मन धन के साथ। आज जो भी है रालोसपा के साथ आपकी मुलाकात थी मोहम्मद शब्बीर अहमद के किसी से, वो शिष्टाचार मुलाकात? जी जी बिल्कुल शिष्टाचार मुलाकात थी। आपने जो वहाँ पर सहमति की बात बताई थी वो ऐसे ही था? जी जी। आप अभी भी RLSP के साथ हैं? जी बिल्कुल। यहाँ के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा हैं, उनके साथ आप? पूरा समर्थन है और हम लोग सुबह से लेकर रात के 12-1 बजे तक कंटिन्यू हम लोग जो है मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में, एक एक घर जा रहे हैं और RLSP को हम लोग यहाँ से बिल्कुल जीत दिलाएंगे। कल के दिन में जो आप पे आरोप लगाया गया है जी, उसको आप खंडन कर रहे हैं? जी बिल्कुल खंडन करते हैं, बेबुनियाद है, उनसे शिष्टाचार मुलाकात। जी अभी जितेंद्र जी जो आप खुद विधानसभा के प्रत्याशी की दावेदारी भी कर रहे थे कि हम भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो इस बीच आप जो समर्थन दे रहे हैं संतोष जी को, इससे उनको कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए जिस तरीके से वर्किंग हुआ है क्षेत्र में और लोगों का कहीं ना कहीं प्यार है, सम्मान है हम लोगों के बीच में, और इनका भी जो बनाया हुआ मार्केट है क्षेत्र के अंदर में, वो हम लोगों को बिल्कुल मजबूती दे रही है दोनों तरफ से, और हम लोग पूर्ण रूप से चुनाव जीत रहे हैं। लोगों का जिस तरह से उत्साह आ रहा है, लोगों का भरपूर समर्थन आ रहा है, और लोग जो तीसरी पीढ़ी को जो ढूंढ रहे थे कहीं ना कहीं 15 साल बना 15 साल से लोग परेशान हैं, और जो युवा हैं हमारे साथ में आज जिस तरीके से संतोष जी हैं, तो लोगों को एक खुशी है कि जो ये कैंडिडेट है एक साफ सुथरे छवि के कैंडिडेट हैं और हर चीज़ से बड़े पूरे हैं। अगर ये राजनीति में आए हैं तो राजनीति में समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, कल्याण के लिए आए हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं जो है इसमें आने वाले समय का क्षेत्र के लिए भविष्य दिख रहा है। तो पूरा सपोर्ट है क्षेत्र में जनता का और हम लोग भी कर रहे हैं और हम लोग चुनाव ये जीत रहे हैं।